बाड़ी रानी टी बाटा हकी खेल आई रख सब जूनियर 13 नेशनल चैंपियनशिप जे ओडिशा राउरकेला में भैर बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये बेंगल टीम बड़ आई रख मैं दार्जिलिंग बड़ा आता कलकत्ता को ट्रायल को लगी नेशनल को त्यानिर सिलेक्ट भएर ओडिशा खेल आइरहन्छु। अनि म स्कूल को दार्जिलिङ मोन्टेसरी हाउस अफ चिल्ड्रेन को मेरो प्रिंसिपल मिस प्रेमला मिस अनि कोच निशा दीदी अनि सबै टीचर्सहरुलाई एकदम थैंक यू भन्न चाहन्छु। अनि म अहिले दार्जिलिङलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दछु। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? माय नेम इज सिमरनजीत सिंह। ओके सर, आप हॉकी बंगाल? ओके, हॉकी बंगाल के आप कोच है। तो सर आप कब से कोच का काम कर रहे हैं सर? काम? हाँ जी सर। जी कब से कर रहे हैं सर ये कोच का काम? आप कब से कर रहे हैं सर? फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। 6 to 6 years कर रहे हैं ना सर। ये इवेंट कब से शुरू हुआ सर, और ये कहाँ कहाँ से आप बच्चों को लेकर आए, और कैसे ट्रेनिंग चल रहा है, कैसा ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसका थोड़ा जानकारी दीजिए ना सर। ओके, ये हॉकी बंगाल इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ये हॉकी इंडिया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये नेशनल्स होते हैं, नेशनल्स। ओके, ये एवरी ईयर नेशनल होते हैं। दिस इज द 13th ईयर हॉकी इंडिया ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट। तो दिस ईयर दे बेस्ड इज राउरकेला। तो राउरकेला में ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, वहाँ पर ये बच्चों को चांस मिला इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, और दे प्लेड इन अ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम ऑल्सो, इन ए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, और वो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है। और बंगाल हॉकी ये टूर्नामेंट से पहले एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जी सर, जिसमें पूरे वेस्ट बंगाल से बच्चे आते हैं, लाइक दार्जिलिंग, लाइक मुर्शिदाबाद, कूचबिहार एंड मेनी मोर डिस्ट्रिक्ट्स। ओके सर। सो वहाँ से सिलेक्शन करके हम एक कोर ग्रुप बनाते हैं 33 का, उसके बाद वहाँ से कंटिन्यूस कैंप चलता है, और वो कंटिन्यूस कैंप के बाद एक फाइनल टीम सिलेक्ट होती है 18 की, जिसमें 16 प्लेयर्स विद 2 गोलकीपर्स, ये होता है शेड्यूल हमारा प्लानिंग। और इस तरीके से ही फिर ये बच्चे नेशनल एवरी ईयर पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बच्चे जूनियर में करते हैं, कुछ बच्चे सब जूनियर में करते हैं, और उनके बाद सीनियर में होती है, सीनियर में भी कुछ बच्चे करते हैं। सर दार्जिलिंग से हमारे एक ही बच्चे सेलेक्ट हुआ ना सर? यस, दार्जिलिंग से इस बार रियेश शर्मा को चांस मिला जी सर। ही इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर एंड बहुत अच्छा लड़का है जी सर। थोड़ा स्ट्रेंथ में कमजोर है, वो उसकी अभियान ट्रेनिंग रहेगी ईयरली, तो फिर वो इम्प्रूव करेगा आगे और। एंड ही गॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू प्ले विथ नाइस टीम, एक्सपीरियंस टीम लाइक झारखंड, एंड वी प्लेड आवर फर्स्ट मैच विथ हिमाचल प्रदेश, the match we won by 12-0, and the second match we played today with Jharkhand, that match we lost by 6-1. Sir, ये उड़ीसा में हो रहा ना सर? उड़ीसा और किला। सर ये भारत के कितने स्टेट ज्वाइन किए सर इस मैच पे सर? सब स्टेट ही होते हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सभी स्टेट आते हैं इसमें। अच्छा सर, इसमें हिमाचल यहाँ से और बच्चे लोग नेशनल इंटरनेशनल भी जाएंगे क्या सर? यहाँ से एक हॉकी इंडिया कुछ सिलेक्टर को भेजते हैं जी सर, वहाँ से वो सिलेक्टर कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके, और वो एनसीओ है वहाँ पर प्लेयर को, और लाइक जूनियर कैंप होते हैं, सब जूनियर कैंप होता है इंडिया का, उसमें सिलेक्शन मिलती है, फिर वहाँ से उनकी अगली प्लानिंग स्टार्ट होती है। ओके ओके। जैसे जैसे लड़का इम्प्रूव करते हैं सर। एनी मैसेज फॉर हॉकी लवर सर? यही है कि बच्चों को घर आ जाते, अभी हॉकी इंडिया का हर घर हॉकी के लिए वो उनका मैसेज चल रहा है, यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी खेलें, हॉकी को प्यार करें, और हॉकी गेम वॉच करें, वॉच करने से उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छे नेशनल लेवल के मैचेस फैन कोड में भी अभी सब मैचेस चलते हैं, द मच दे वॉच द मैच बट दे वॉन्ट टू प्ले द गेम। Okay. Thank you so much, sir, for your precious time, sir, and all the best for the future planning and future games too. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.